हेल्थ में 0.2 टू 2 मिलीग्राम विटामिन ए पाया जाता है। यदि आप में विटामिन ए की कमी है तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है और आपकी बॉडी में जो वायरस और बैक्टीरिया इजीली अटैक कर सकते हैं, तो जो आपका जो एंटीबॉडीज है ये कमजोर पड़ जाती है और वायरस बैक्टीरिया हमारी बॉडी में इजीली अटैक कर जाते हैं। तो इसीलिए हमें मिल्क पीना चाहिए ताकि हमें विटामिन ए मिल सके। विटामिन, अब हम बात करते हैं विटामिन डी। अब आप सोच रहे हैं कि विटामिन डी तो दूध से पाया मिलता है हमें, लेकिन विटामिन डी जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। विटामिन डी टू विटामिन डी थ्री। जो विटामिन डी टू होता है वो हमें प्लांट से मिलता है, जो विटामिन डी थ्री होता है वो हमें एनिमल से मिलता है। मतलब एनिमल जो हमें जो दूध रहता है, दूध हमें विटामिन डी थ्री प्रोवाइड कराता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट विटामिन बी वन। 1 से 2 मिलीग्राम आपको विटामिन बी वन की जरूरत पड़ती है। विटामिन बी वन यदि आप इंटेक नहीं करते हैं तो आपको आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, रिटार्ड हो जाएगी और आपकी ग्रोथ नहीं होगी। अब हम बात करेंगे विटामिन बी टू, जिसे हम राइबोफ्लाविन भी बोलते हैं। ये वेस्टर्न कंट्रीज में इसकी डेफिशिएंसी काफ़ी देखी जाती है। जो विटामिन बी टू यदि की जो हमें 2 से 4 मिलीग्राम हर एक एडल्ट को जरूरत होती है पर डे, यदि आप विटामिन बी टू कंज्यूम नहीं करते हैं तो आपका डाइजेशन बिगड़ जाता है। यदि आप खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, आपकी हेल्थ बिगड़ती है, आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है। तो इसीलिए हमें दूध पीना चाहिए ताकि हमें विटामिन ए मिल सके, विटामिन बी वन मिल सके, विटामिन बी टू मिल सके। अब हम बात करेंगे विटामिन सी की। विटामिन सी से आपको काफ़ी थकान होती है। यदि इसकी कमी हो विटामिन सी की तो आपको थकान होगी और आपकी ये जो एंटीबॉडीज हैं कमज़ोर पड़ जाती हैं और आप में वायरस इजीली अटैक करने लगते हैं। एंटीबॉडीज आपको बचाने नहीं आएगी। यदि आप विटामिन सी देते हैं तो एंटीबॉडीज स्ट्रांग हो जाएंगी और वायरस को ये वहीं रोक देंगी, यस, और आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। अब हम बात करेंगे विटामिन डी की। विटामिन डी जो होता है ना, 3 टाइप के होते हैं। विटामिन डी टू विटामिन डी थ्री। विटामिन डी हमें सूर्य की किरणों से मिलता है, विटामिन डी टू हमें प्लांट से मिलता है और विटामिन डी थ्री हमें एनिमल्स से मिलता है, मतलब मिल्क से मिलता है हमें विटामिन डी थ्री से आपकी बोन स्ट्रांग होती हैं तो आप रिकेट्स जैसी बीमारियों से भी बच सकते हैं। तो इसलिए हमें दूध पीना चाहिए ताकि हमें सारे हमारे जो विटामिन्स हैं हमें हमारे बॉडी में ये सारे जा सकें। मिल्क के थ्रू हम लोग ये सारे विटामिन्स इंटेक कर सकें। हम लोग हरी भाजी, हरी सब्जियाँ, फ्रूट्स, नट्स और यदि दूध पीते हैं तो हमें विटामिन्स की कमी कभी नहीं हो सकती और हमारे जो एंटीबॉडी है वो स्ट्रांग बनी रहेंगी। ये इम्यून सेल्स स्ट्रांग होंगे तो ये मजबूत बनेगी। कितना से कितना भी आपका मजबूत वायरस आ जाए, कोरोना ही क्यों ना है, तो ये उसे रोक के रखेंगी और आपकी बॉडी में वायरस और बैक्टीरिया एंटर नहीं करेंगे और आप हेल्दी रहेंगे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विटामिन के बारे में बात करने जाऊंगा, दैट इज कॉल्ड विटामिन ई। विटामिन ई आपकी बॉडी के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। आपने कई ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ऐड देखे होंगे जिसमें काफ़ी उल्लेख किया जाता है कि इसमें विटामिन ई है। तो विटामिन ई क्या काम कर रहा है, आपकी स्किन में झुर्रियाँ नहीं होने देता, आपकी स्किन को हेल्दी रखता है वो। और जो विटामिन ई जो होता है आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का मूवमेंट को हैम्पर नहीं होने देता और अच्छे सुचारू रूप से आपका बॉडी में ऑक्सीजन का मूवमेंट होता है। आपके खून में फैट जमा होने नहीं देता ये। और कई बार विटामिन ई की कमी के कारण भी खून की कमी देखी जाती है। जी हाँ, खून की कमी हो जाती है विटामिन ई की कमी के कारण। और यदि मेनोपॉज की बात करें फीमेल्स में, तो मेनोपॉज के टाइम में बेचैनी ज़्यादा होती है और अधिक हीट जनरेट होती है बॉडी में, तो विटामिन ई यदि आप लेते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी नहीं पड़ेगी। और ये बीमारियों से बचाने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट विटामिन है। तो जैसे ही आप विटामिन ई लेते हैं, विटामिन ई आपकी एंटीबॉडीज, आपके जो इम्यून सेल्स हैं वे एब्सॉर्ब करते हैं और ये हमें बीमारी से बचाते हैं। तो कोई भी वायरस आएगा तो ये डट कर वहाँ खड़े रहते हैं, ये कमज़ोर नहीं पड़ते।
इसलिए विटामिन ई काफ़ी ज़रूरी है। और सबसे अच्छी बात, जो विटामिन ई होता है वो विटामिन ए और सी को नष्ट होने से बचाता है। यदि आप में विटामिन ए और सी की कमी है तो ऑब्वियसली आपको विटामिन ई की भी कमी होगी। इसलिए इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट विटामिन फॉर आवर बॉडी। तो आप यदि आपने अभी यूजुअली आप यदि बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो विटामिन ई की कमी नहीं देखी जाती है, लेकिन आपको बैलेंस डाइट ले सकते हैं। आप सुपर कपल फूड की बात करें तो आप दूध ले सकते हैं, दूध लीजिए। दूध में इट इज़ वेरी रिच इन विटामिन ई। और गेहूँ ले सकते हैं आप, बाजरा, भुट्टे के दाने, अंडा, दूध जो मैंने आपको बताया, ये सारे सुपर कपल फूड्स आप लेते हैं तो ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखते हैं। वे प्रोटीन एंड केशिन, ये दोनों प्रोटीन जो मिल्क प्रोटीन होते हैं ये हमारे काफ़ी डाइजेस्टिबल होते हैं।